राजधानी लखनऊ की निराला नगर डबल मर्डर केस में एडीजे चतुर्थ श्रेणी की कोर्ट ने आरोपी सोहराब अली उर्फ गब्बर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल 9 अक्टूबर 2012 को आरोपी गब्बर ने एक तरफा प्यार में शादीशुदा महिला उर्वशी तिवारी और उसके पति के मित्र ओम प्रकाश की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि रामकृष्ण मठ के पास बीच सड़क पर हुए इस डबल मर्डर की एफआईआर हसनगंज थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें उर्वशी तिवारी के पति हरि प्रकाश तिवारी ने बताया कि 9 अक्टूबर 2012 को उर्वशी तिवारी उनके पति के मित्र ओम प्रकाश के साथ बाहर गई हुई थी। रात में सूचना मिली कि निराला नगर मठ के पास में किसी ने दोनों को चाकुओं से घायल कर दिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित मुकदमा अपराध संख्या 350/12 जो कि थाना हसनगंज में पंजीकृत किया गया था, इसमें अभियुक्त जिसका नाम गब्बर उर्फ सोहराब अली है उसको माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302 307 आईपीसी के अंतर्गत दोषी मानते हुए इसको मृत्युदंड की सजा एवं ₹5,000 का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही जो इसी मुकदमे संबंधित 4/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखा गया था उसमें भी इसको 1 वर्ष की सजा और जुर्माने के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।